नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, रेवेन्यू इंस्पेक्टर पटवारी और लेखपाल के एग्जाम नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं। जी हाँ, 391 पद, जी हाँ, 391 पद जो हैं आपके, किसके, पटवारी के हैं। 391 पद जो दे रखे हैं पटवारी के दे रखे हैं, और 172 पद जो है आपके, किसके दे रखे हैं, लेखपाल के दे रखे हैं। तो इस वीडियो में डिटेल नोटिफिकेशन में आपको डिस्कस करूंगा, ताकि आप कभी भी फॉर्म भरें तो अच्छे से अप्लाई कर पाए, और कौन कौन से जिले में कितने कितने पद हैं वो सब मिलेगा। साथ में दोस्तों, इस वीडियो में आपको एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, ये सब आपको जानने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आखिरी में ही सबसे सिलेबस डिस्कस किया जाएगा और इंपॉर्टेंट बुक्स जो होंगी उससे रिलेटेड वो भी डिस्कस की जाएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इसके साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारा ऐप पर सभी एग्जाम के कोर्सेज आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, तो आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। इनकेस अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसके पीडीएफ के लिए एईपी टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको पीडीएफ नोटिफिकेशंस की कोई भी वीडियो आएगा तो वहां पर सबसे पहले आएगा, तो आप इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो बात करते हैं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने ये जो नोटिफिकेशन जारी किया है 14 अक्टूबर को जारी किया है, और आवेदन भरने की लास्ट तिथि जो दे रखी है 4 नवंबर दे रखी है। जी हाँ, 4 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे इसके, तो 4 नवंबर से पहले आपको क्या करना है दोस्तों, फॉर्म भरना है। इसके अलावा इसमें क्या क्या जानकारी है वो मैं आपको बता दूं, कुछ निर्देश दे रखे हैं आरक्षण से रिलेटेड, है ना। इसके अलावा इसमें आवेदन अंतिम तिथि जो है यहाँ पर क्या दे रखी है, 4 नवंबर दे रखी है, तो इसको ध्यान रखना है आपको, है ना। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो पहले से फर्जी प्रमाण पत्र के केस में चल रहे हैं, है ना, उनको बाहर कर दिया गया है, वो फॉर्म नहीं भरेंगे, और बाकी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपके एग्जाम उस पे आता हूँ, ताकि आपको क्लियर रहे। टोटल 563 पद हैं दोस्तों, जिसमें पटवारी के 391 पद हैं और लेखपाल के 172 पद हैं, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर उप निरीक्षक पटवारी के लिए। पटवारी के 391 पद हैं, जिसमें जिला वाइज पद देखेंगे हम। सबसे पहले जिला अल्मोड़ा से यहाँ पर 50 पद हैं, है ना, और बाकी आप देख सकते हैं एससी का, एसटी का, और आपका ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, और आपका यूआर का। टोटल यहाँ पर 50 पद हैं, जिसमें यूआर के 31 हैं, ईडब्ल्यूएस के 6, ओबीसी के 6, एक एक जो है एक एसटी का है, और एससी के 6 हैं। इसी तरह से आप देखेंगे ये आपका हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दे रखा है, जिसमें महिलाओं के लिए 12 पद आरक्षित है यहाँ पर, है ना, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जिला बागेश्वर में 18 पद है, यहाँ पर देखिए टोटल 18 पद है, जिसमें 8 अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस 6, ओबीसी 3 और एसटी का 1 है। इसी प्रकार जिला चमोली के 26 पद है यहाँ पर टोटल, देखिए 17 जो है यूआर के हैं, 2 ईडब्ल्यूएस के, 3 ओबीसी के हैं। इसी प्रकार आप देखिएगा जिला चंपावत में 26 पद हैं टोटल। इसी प्रकार जिला देहरादून में 9 पद हैं टोटल। जिला नैनीताल में 27 पद हैं टोटल। इसी प्रकार जिला पौड़ी गढ़वाल में 79 पद हैं, यहाँ पर देखिएगा 47 यूआर के, 19 ईडब्ल्यूएस के। इसके बाद जिला पिथौरागढ़ में 38 पद हैं। इसके अलावा रुद्रप्रयाग में आपके 13 पद यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है, और लास्ट है यहाँ पर टहरी गढ़वाल, जहाँ पे 45 पद यहाँ पर दे रखे हैं। कुल मिला के ये आपके पद हैं, और जिला उत्तरकाशी में 60 पद हैं। इसी के साथ साथ ये आपके टोटल कितने पद हो जाते हैं, 391 पद हो जाते हैं। पद का स्वरूप क्या है, ग्रुप डी है बेसिकली आपका, समूह गा है ना। इसके अलावा आपकी सैलरी कितनी रहेगी, 29,200 से 92,300 लेवल 5 की रहेगी। अब इसमें ग्रेजुएशन क्या चाहिए भैया, भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। कहीं से भी आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए आप, है ना। इसी के अलावा क्या बताया गया है, प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक कार्य हो अगर आप वैसे करते हैं, या नेशनल कैडेट कोर बी में या सी प्रमाण पत्र हो, ये भी अगर है तो बहुत अच्छी बात है ना। शारीरिक दक्षता की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर फिजिकल टेस्ट होगा आपका। फिजिकल टेस्ट में 60 मिनट में 7 किलोमीटर चलना है, और महिलाओं के लिए 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना है ना। 60 मिनट में 7 किलोमीटर, और महिलाओं के लिए 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर यहाँ पर आपको चलना होगा। इसके अलावा हाइट की बात करें तो 168 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है पुरुषों के लिए,
जबकि महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट रखी गई। महिलाओं के लिए दोस्तों 152 है, पुरुषों के लिए 168 है। तो इससे अगर आपकी कम है तो आप अप्लाई मत कीजिएगा। इसके अलावा जो पर्वतीय मूल के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर की क्या है छूट दे रखी है। सीना की बात करूं तो पुरुषों का सीना फुला के 84 और 5 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए, फुला होना चाहिए, और जो पर्वतीय वाले हैं उनको 5 सेंटीमीटर का छूट रहेगी। महिलाओं का न्यूनतम वजन कितना होना चाहिए, 45 किलो से कम, किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए ना, इससे कम नहीं होना चाहिए, 45 से, याद रखिएगा, है ना। इसके अलावा एज जो है बच्चों वो 21 से 28 वर्ष दे रखी है। 21 से कितनी दे रखी है, 28 वर्ष दे रखी है, याद रखिएगा। इसके बाद इसमें आरक्षण भी रहेगा तो वो भी मैं बता देता हूँ किनको आरक्षण मिलने वाला है। उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं लेखपाल के कुल 172 पद हैं, जिसमें आप देखेंगे जिला चंपावत में यहाँ पर 1 पद है। इसी प्रकार आपका देहरादून में 38 पद है। इसी प्रकार हरिद्वार में आप देखेंगे तो 51 पद है यहाँ पर। इसी प्रकार जिला नैनीताल में देखेंगे तो 26 पद है यहाँ पर। इसी प्रकार जिला उधम सिंह नगर में देखेंगे आप तो 56 पद है यहाँ पर। इसी प्रकार आप यहाँ पर टोटल देखेंगे तो 172 पद है। इसका भी समूह गा ही है। और सैलरी इसकी बात करें, वेतन बात करें तो 29,200 से 92,300 के बीच में ही रहेगी, लेवल 5 का ही रहेगा। इसके अलावा इसमें भी आपका क्या चाहिए दोस्तों, इसमें भी आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, है ना, ग्रेजुएट होना चाहिए, स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। इसके अलावा आपका अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसके हिसाब से भी आपका प्रमाण पत्र या फिर 2 वर्ष की कम से कम अवधि होनी चाहिए। शारीरिक दक्षता सेम ही है, 60 मिनट में 7 किलोमीटर पुरुषों के लिए है दोस्तों, 7 मिनट में 7 किलोमीटर पुरुषों के लिए, और महिला अभ्यर्थियों के लिए कितना है, 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर की दौड़ है। और यहाँ पर एज लिमिट थोड़ी यहाँ ज्यादा रहेगी आपके लिए, 21 से 35 रहेगी, जबकि पटवारी की जो एज लिमिट है 21 से 28 है, यहाँ पर 21 से 35 रहने वाली है। इसके अलावा आयु की बात करें तो आपने देख ही लिया मिनिमम आयु 21 से 28 है, मिनिमम 21, अधिकतम 28 पटवारी के लिए, जबकि लेखपाल के लिए मिनिमम 21, अधिकतम 35 है यहाँ पर, है ना। और ये आयु की जो गणना होगी वो 1 जुलाई 2022 के अनुसार होगी, है ना। आयु की जो गणना होगी वो 1 जुलाई 2022 के हिसाब से होगी। 1 जुलाई 2022 को आप कितने वर्ष के हो गए हैं उसके हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं, है ना। इसके अलावा अधिकतम आयु में छूट जो है मैं आपको बता दूं, जो अनुसूचित जाति के उत्तराखंड के हैं, है ना, अनुसूचित जनजाति के या पिछड़ा वर्ग के हैं, तो उनको अधिकतम 5 वर्षों की छूट अनुमान है। मतलब 28 पटवारी में तो 5 साल, 33 साल तक आप दे सकते हैं। अगर आप ओबीसी से हैं, आप एससी से हैं, आप एसटी से हैं, ठीक है। इसके अलावा आप उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी पे आश्रित हैं तो उनके लिए भी 5 वर्षों की छूट है यहाँ पर, है ना। और जो भूतपूर्व सैनिक है ना, सशस्त्र सेना में रहे हैं, उनके लिए 3 वर्ष से ज्यादा की छूट नहीं है यहाँ पर, उनके लिए 3 वर्ष की छूट दे रखी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, रिजर्वेशन में इतनी छूट दे रखी है, 5 साल और 3 साल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ कुछ चीजें दे रखी हैं, जैसे यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परिधि के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गा के पदों की भर्ती के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। वो नियम क्या है कि भैया जो सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने हाई स्कूल अपना या इंटरमीडिएट या इसकी समकक्ष स्तर की शिक्षा जो है उत्तराखंड राज्य से प्राप्त की हो, ठीक है। तो यहाँ पर जिन बच्चों ने उत्तराखंड से ही पढ़ाई की है, इंटरमीडिएट हुआ है, जिनका हाई स्कूल हुआ है, वही एलिजिबल होंगे, वही फॉर्म भर पाएंगे, वरना दूसरे फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। और यहीं पे कैटेगरी वो दिया गया है जो सैनिक अदर सैनिक बलों में कार्यरत हैं राज्य सरकार में, है ना, तो उनके लिए ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन रहेगा, है ना, क्योंकि उनका ट्रांसफर होता रहता है तो वो कर सकते हैं। लेकिन जो जनरली बात करें उनके लिए हाई स्कूल और बाकी चीजें आपकी उत्तराखंड से होना अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद ये चीजें इसमें मेंशन है तो थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद यहाँ पर नेशनलिटी की बात करें तो भारत का नागरिक हो, तिब्बती शरणार्थी हो, या भारत के उद्भव का ऐसा व्यक्ति जो कहाँ से आया हो, वर्मा पाकिस्तान श्रीलंका से आया हो, ये उनके लिए थोड़ा सा दे रखा है। चरित्र की बात करें जो ऑलरेडी सरकारी सेवा में है तो उनके लिए एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, है ना, ये कहा गया है। वैवाहिक स्थिति की बात करें
सेवा में नियुक्ति के लिए ऐसे पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिनकी एक से अधिक पत्नी। भाई एक से अधिक पत्नी वाले यहाँ पर अप्लाई मत करना, है ना। और महिला भी अप्लाई मत करना जिसने एक से ज्यादा बार क्या हो शादी की हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपके लिए कोई वो ना होना चाहिए, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से आप वो ना हो, है ना, दोष मुक्त होना चाहिए बेसिकली आपका, ठीक है। ये आपका दे रखा है। बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की दोस्तों। एग्जाम पैटर्न बहुत बढ़िया है इसका। एग्जाम पैटर्न देखिएगा, 100 अंकों का ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। 100 अंकों का ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, 2 घंटे का टाइम रहेगा, है ना, जिसमें आपका क्या क्या रहेगा दोस्तों, हिंदी रहेगी, समान ज्ञान रहेगा, समान अध्ययन रहेगा, है ना। तो बेसिकली हिंदी आप देखेंगे तो 20 मार्क्स की है। हिंदी कितने मार्क्स की है दोस्तों? हिंदी आपकी 20 मार्क्स की है ना। अब समान ज्ञान समान अध्ययन में क्या क्या है, देखिए रीजनिंग आ गई पहले तो 40 मार्क्स का टोटल है ये, है ना, ये वाला सेक्शन जिसमें रीजनिंग आ गया, हिस्ट्री आ गई आपकी, इतिहास आ गया, ज्योग्राफी आ गई, है ना, पॉलिटी आ गई आपकी, है ना, इकोनॉमी आ गई आपकी। इसके बाद फिर आपका करंट अफेयर आ गया, नेशनल इंटरनेशनल, और आपका कंप्यूटर आ गया। तो ये 7 टॉपिक हैं जो मिलकर आपको 40 अंक देंगे। फिर आपका 40 अंक जो होगा दोस्तों, उत्तराखंड जीके हो जाएगा, उत्तराखंड जीके हो जाएगा, करंट अफेयर हो गया। इसका डिटेल सिलेबस में आपको अच्छे से एनालाइज कराऊंगा, है ना। डिटेल सिलेबस की बात करूं तो ये अलग से आएगा, एक एक टॉपिक का वो अलग से वीडियो आप देखिएगा ताकि आपको और क्लियरिटी रहे। टोटल आपका कितने अंकों का होगा पेपर? 100 अंकों का पेपर होगा, ठीक है। तो ये है, और इसका लास्ट डेट आपने देख ही लिया, 4 नवंबर है फॉर्म भरने की। तो अभी जाके फॉर्म भर दीजिए, और कोई डाउट हो तो दोस्तों मेरा नंबर आप ले लीजिए, इस पे व्हाट्सअप करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको पूरा कंप्लीट कोर्स भी मिल जाएगा उत्तराखंड पटवारी का, है ना, साथ में टेस्ट सीरीज जो भी आपको आवश्यकता होगी वो भी वहां पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो प्लीज क्या कर दीजिएगा, एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों से, ताकि वो भी इस परीक्षा के बारे में जान सके और फॉर्म भर सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप नए हैं, और क्योंकि ऐसे ही उत्तराखंड पीएससी के और भी एग्जाम से रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।